जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जवानों पर हुई विस्फोट और उनकी निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। ये पानीपत के जिला सचिवालय के बाहर तमाम वर्गों के लोग, संगठनों के लोग खड़े हैं और पाकिस्तान को लेकर बहुत विरोध है, गुस्सा है लोगों में। शहर के कुछ मौजूद लोग हमारे साथ हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाने में व्यस्त थे, शायद हम भूल गए, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया। ये बहुत ज्यादा ये जुल्म की बात है, बहुत बुरा हुआ है। हम तो ये मांग करेंगे कि पाकिस्तान के साथ सबसे पहले तो बसशाला सिस्टम और उनके व्यापार और इनके एम्बेसडरों को वापस भेज देना चाहिए और इसका बदला जो है 50 की जगह 500 के कम से कम जब तक नहीं इनका लेते हो तब तक, और इसके बाद में जो सुरजेवाला है उसका जो आज ये बयान था कि 56 इंची सीने का, उसको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को लेके पहले भी गुस्सा कई बार आया है, हर बार मतलब गुस्सा शांत हो जाता है, फिर पहले वाली बात होती है और फिर कोई ना कोई घटना होती है। इस बार का गुस्सा मेरे को लगता है शायद सबसे ज्यादा गुस्सा है। हाँ, निश्चित रूप से आज पूरा देश दुख, दर्द और गुस्से में उबल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना श्रेय ले लिया, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पाकिस्तान रोज ही सर्जिकल स्ट्राइक करता है, रोज हमारे जवान कहने मारे जाते हैं। हम उनके 2 आतंकवादी मारते हैं, वो 10 मार जाते हैं। हम उनके पिछले 4 सालों में इसका विशेष संख्या कम हुई हो, लेकिन आज तक पाकिस्तान रुका नहीं है ना झुका है। जब इस तरह की घटना होती है लोग सरकार और जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हैं, उनसे भी चाहते हैं कि इसका जवाब दिया जाए। कई बार मरतबा ऐसा हुआ, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? पहले तो ये है कि जो ये दुर्घटना हुई ये बहुत ही झोरने वाली है। ये मतलब खाली वहाँ नहीं, ये एक देश पे हमला है और हर भारतीय के दिल पे एक हमला है, और सारा आज जितना भी देश है आज इस सदमे में डूबा हुआ है। जो ये ऐसे दहशतगर्द हैं उनके तो पूरे कहीं पर भी, किसी वर्ल्ड में भी उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान इनको पाल रहे हैं, इसका खमियाजना उनको भी भुगतना ही पड़ेगा इसके लिए। इस तरह का गुस्सा पहले भी देश के लोगों का सामने है, आज फिर ज्यादा गुस्सा है। आज आप चाहते हो अब कोई फैसला होना चाहिए? बिल्कुल, सेना के हाथ खोल देने चाहिए, सेना को पूरे अधिकार दे देने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री होने के दायित्व के नाते मैं सरकार से ये आग्रह, निवेदन, अपील करता हूँ कि सेना को बिल्कुल सारे हाथ खोल देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को ताबड़तोड़ इस क्रूरता का जवाब देना चाहिए। देश का एक आम नागरिक होने के नाते क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान को अब समय आ गया है दो टूक जवाब देने का, और भारत को उसका जवाब देना चाहिए। और हमारे जवान कब तक शहादत देते रहेंगे, और अब ये एक समय, अब अंतिम समय है जो भारत इसको, पाकिस्तान को जवाब हमें देना ही होगा। आप बताओ, ये जिस कोज के लिए आप इकट्ठा हुए हो, आज सरकार से क्या मांग करते हो आप? जिस तरह से कई बहनों ने अपने भाई खोए, माँ ने अपने बेटे खोए, हमें उनका बदला चाहिए। और हमें अब छोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए कि पूरा पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम लोग जश्न मना रहे थे, हम खुश थे कि हमने बदला ले लिया, लेकिन उन्होंने दुगना कर दिखाया। अब फैसला सरकार को करना है, क्या होना चाहिए, इस देश के लोगों की मांग क्या है, क्या होना चाहिए, फैसला सरकार को करना है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।